आईपीएल 2020 के सीजन में जहां काफ़ी सारे शानदार मैच देखने को मिले, तो वहीं आज का मैच है जो कि काफ़ी स्लो नज़र आ रहा है और खेला जा रहा है आरसीबी वर्सेस एमआई के बीच। जी हां दोस्तों, आज का ये मैच काफ़ी ज़्यादा स्लो इसलिए नज़र आ रहा है। पहले तो एरॉन फिंच जो कि 52 रन बना के आउट होते हुए नज़र आए, पर उसी के बाद जब फील्ड पर उतरे विराट कोहली जो कि कप्तान भी है उस टीम के, वो सिर्फ 3 रन बनाकर ही आउट होते नज़र आए। उन्होंने जैसे ही बॉल खेली वह रोहित शर्मा के हाथ में नज़र आई और वो कैच आउट होते हुए नज़र आए रोहित शर्मा की बॉल पर। साथ ही बात को बता दें कि बॉल करा रहे थे राहुल चहर ने जैसे ही बॉल कराई और विराट कोहली ने खेलते ही रोहित शर्मा के हाथ में बॉल पकड़वा दी। और उसके बाद ही बात करें उन्होंने कितने बॉलें खेली, तो उन्होंने 11 बॉलें खेली और 3 रन ही सिर्फ बनाए। और अब आरसीबी के रन नज़र आ रहे हैं 12 ओवर्स के अंदर 92 रन, जिस पे उनके 2 विकेट हो चुके हैं। तो अब देखना ये होगा कि देवदत्त पेडिकल कुछ कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी तक 30 रन बना लिए और 28 गेंदों पर। वहीं फिंच 52 पर आउट होते नज़र आए थे, तो डिविलियर्स ने एक भी रन यहाँ पर नहीं बनाया है अभी तक, वो फील्ड पर उतरे हैं। तो देखना ये होगा कि डिविलियर्स कुछ कर पाते हैं या नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है और आपको कौन सी टीम से ज़्यादा उम्मीद है? एमआई यहाँ पर शायद आज जीतती हुई नज़र आए, आप ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी कैसी और खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल न्यूज़ जंक्शन को।